हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी। रीता जी, सबसे पहले तो आरएनआई टीवी की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज आप लखनऊ में पहुंची हैं, कार्यकर्ता आपका स्वागत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, लगातार 11 वर्षों से मेरा संबंध बहुत ही घनिष्ठ पारिवारिक जैसा संबंध अपने क्षेत्र से बना है और मेरे अभी यहाँ का विधायक न रहते हुए भी इनके द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम करना और मेरे मुझ पर यकीन करना, सम्मान करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही स्नेह का सूत्र एक नेता को उसके क्षेत्र से बांधना चाहिए और मैं इसीलिए प्रसन्न हूँ कि मैंने अपने इस पुराने क्षेत्र से ऐसे संबंध बनाए थे कि आज भी लोग मुझे दीदी ही मानते हैं विधायक ने, तो हमारा इनका संपर्क बना हुआ है प्रेम का। हाल ही में दीदी शीला दीक्षित जी को हम लोगों ने खो दिया, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं दीदी? महिला सशक्तिकरण की मिसाल थी वो, 100 में थी, बहुत ही शालीनता से काम किया, नव दिल्ली के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और बड़े बड़े पदों को भी ग्रहण किया, लेकिन राजनीति को कभी सामाजिक संबंधों के बीच में नहीं आने दिया। तभी देखिए, उनके निधन के बाद कोई दल ऐसा नहीं है जो अना गया हो और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे उनकी प्रशंसा में बात ना कही हो। आरएनआई टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ही रीता जी, जिनका कहना ये है कि शीला दीक्षित जी का निधन एक बहुत बड़ी क्षति है राजनीति के क्षेत्र में। संदीप के, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, आरएनआई टीवी लखनऊ।